नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। शासन प्रशासन रक्षा की अगर भक्षक बन जाए तो विश्वास किस पे करेगी जनता। धार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और उसके बाद जांच को जिस तरीके से गलत दिशा दी जा रही है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक तरफ जहां हमारे मुख्यमंत्री अपराध को नियंत्रित करने में असफल हो रहे हैं, तो वहीं शासन प्रशासन के लोग जांच को जो गलत दिशा दे रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से रुपेश के मामले में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जांच को गलत दिशा देकर एक गलत एंगल रोड रेज का वहां पर देने की कोशिश की जा रही है, और वहीं यहां पर जिस तरीके से जो आई विटनेसेस हैं, जब उन्होंने FIR दर्ज की, दो युवक पासवान परिवार के अजय और रंजीत, उनको आधी रात में ले जाकर जिस तरीके से गला रेत कर बेदर्दी से उनकी हत्या की गई, अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो देख नहीं सकते कि किस तरीके से पूरा गला काट कर धड़ से अलग कर उनको मारा गया। और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं, जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने 14 लोगों का नामजद FIR दर्ज करवाई, उनसे पूछताछ करने की बजाय, उनको पकड़ने की बजाय, ये उनके पिताजी हैं, उनको पकड़ने की बजाय यहाँ पर दूसरे लोगों की गिरफ्तारी कर एक अलग ही मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा आप सबके माध्यम से, मैं अपनी तरफ से तो मैं उसको उस स्तरीय तक लेकर ही जाऊंगा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मैं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक द्वेष भी देखने को मिल रहा है। जो दो लोगों की, जिस तरीके से दोनों की हत्या की गई, वो भी लोक जनशक्ति पार्टी के पोलिंग एजेंट थे, और अगर कहीं इसमें राजनीतिक द्वेष से अगर ये हत्या की गई है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और अगर सही में इस वजह से उन्हें मारा गया है, क्यों? क्योंकि वो लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक थे या लोक जनशक्ति पार्टी का पक्ष वो रख रहे थे, इसके डर से अगर उनकी हत्या की गई, इस वजह से अगर उनकी हत्या की गई, तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए मैं न सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि मैं प्रधानमंत्री को भी लिख के इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि किस तरीके से एक जाति विशेष को, एक समुदाय विशेष को, या ऐसे लोगों को जो विकास की सोच रखते हैं, या ऐसे लोग जो एक दल का समर्थन करते हैं, उनको अगर चुन चुन कर इस तरीके से मारने का अगर प्रयास किया जाएगा, तो वो एक सभ्य समाज और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कतई इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कतई वो कारगर नहीं होने वाली है।